हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीबीएसई पुराने मतलब पिछले सालों में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री। रूट टू एंड रूट थ्री के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो देखो, रैशनल नंबर क्या होता है, जो आपको पता है पी वाई क्यू फॉर्मेट में हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी आता है। तो रूट टू की अगर हमें वैल्यू पता है, फॉर एग्जाम्पल रूट टू के लिए पता है 1.414 डॉट डॉट ऐसे होता है, मतलब 1.414 और भी होता है क्योंकि ये आपका इरेशनल नंबर है। अच्छा, सिमिलर रूट थ्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको इसके बीच में एक रैशनल नंबर लिखना है। तो यार 1.4 है, ये 1.7 है, तो 1.4 और 1.7 के बीच में क्या आएगा? क्या 1.5 आ जाएगा? तो आप यही ठीक है, समझ गया। आप 1.6 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इवन 1.7 भी लिख सकते हो। तो लेकिन हमें एक रैशनल नंबर लिखना था, तो आप 1.5 इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।